भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब हमारे महाभारत में इन 5 गांव का वर्णन है। संविधान कहता है हमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन वो 5 गांव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और व्याघ्रप्रस्थ बागपत हो गया। एक और छठवां गांव था गजप्रस्थ, वो गाजियाबाद हो गया। तो हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति कैसे बचाएं? भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जमदग्नि जी का। वाल्मीकि रामायण में जमदग्नि जी के आश्रम का वर्णन है। अब हम जमदग्निपुरम को ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक जौना खान नाम के लुटेरे ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। वाल्मीकि रामायण में एक स्थान का वर्णन है विदेह, हम विदेह को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे मुजफ्फर खान नाम के लुटेरे ने उसको मुजफ्फरपुर बना दिया बिहार में। हमारे महाभारत में 14 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास में कहां रुके थे वो? विराट, विराट का वर्णन है। अब विराट को हम ढूंढ रहे, कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि विराट को होशियार ने होशियारपुर बना दिया पंजाब में। विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, 51 शक्तिपीठ। हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था, जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी, वो भी 51 शक्तिपीठ में से आता है। अब हम कीर्तेश्वरी को ढूंढ रहे हैं, भारत के नक्शे पर कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको मुर्शिद खान ने छोटी छोटी बातों पे संसद ठप हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे विधानसभा ठप हो जाती है, छोटे छोटे मुद्दों पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करने पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे मामलों पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है, बहुत सारे मामलों पे हाई कोर्ट सुओ मोटो लेता है, लेकिन भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू हो, एक पुलिस चार्टर लागू हो, एक सिटीजन चार्टर लागू हो, इस पे न संसद विधानसभा में चर्चा होती है, न तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेता है। अल्टीमेटली इसका जो सबसे बड़ा सफरर है वो कौन है? कॉमन मैन, आम आदमी। और आम आदमी में कौन है, विधि समझ लीजिए। भारत में कानून का राज है, इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को जल्दी न्याय मिले, लेकिन कानून ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। इतना कानून में वेगनेस है, इतना कानून में झोल है, जो लोग यूपी के उनको पता होगा, पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, आजकल अलग है, आजकल बुलडोजर चल रहा अलग बात है, आजकल बुलडोजर चल रहा अलग बात है, लेकिन पहले मुकदमे वापस हो रहे थे। अभी 3 दिन पहले भारत के अलग अलग राज्यों में दंगे हुए, यूपी में नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ। अगर भारत में कानून का राज है तो हर जगह पुलिस को एक जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर भारत में कानून का राज है तो जैसे यूपी में कुछ नहीं हुआ, ऐसे बंगाल में भी कुछ नहीं होना चाहिए था, बिहार में भी कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। चूंकि पुलिस एक्ट 1861 का है, जो अंग्रेजों ने बनाया था अपनी सुविधा के लिए बनाया था, तो पुलिस बेचारी परेशान है, वो सत्ता की गुलाम है। जब सत्ता जो कहती वही काम करती है। यूपी में कह रहे हैं बाबा चलाओ बुलडोजर, तो बुलडोजर चला रही है। बाकी राज्यों में कह रहे हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं कर रही है। क्या करे, वो भी तो मजबूर है ना।